नमस्कार दोस्तों, मैं वेदिका राजपूत स्वागत करती हूँ आपका सुप्रीम पावर न्यूज चैनल पर। चैनल से जुड़े रहने के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। पादरीगंज में वैनगंगा नदी से पिकनिक मनाने गए 7 युवकों में से एक की डूबने से हुई मौत। चांगोटोला के पादरीगंज में वैनगंगा नदी से 13 मार्च की सुबह लगभग 8 बजे एक युवक का शव बरामद किया गया, जिसमें बालाघाट होमगार्ड SDRF और जबलपुर SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के कर 44 घंटे बाद में नदी से बाहर निकाल लिया, जिसके बाद पुलिस ने शव बरामद कर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ कर दी। मिली जानकारी अनुसार मंडला जिले के नैनपुर थाना अंतर्गत पिंडरी चौकी के ग्राम पाथा सियोरा निवासी मृतक युवक नयन पिता बसंत अहिरवार उम्र 17 वर्ष नैनपुर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था, जो गत दिवस बोर्ड की परीक्षा खत्म होने के बाद अपने 6 अन्य साथियों के साथ 11 मार्च को नदी में पिकनिक मनाने आया था। इसी दौरान वहां नहाते वक्त सभी मित्रों में से दोपहर के समय में एक युवक डूब गया, जिसकी जानकारी बालाघाट कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद से चांगोटोला पुलिस वहां तैनात थी और रेस्क्यू टीम का सहयोग लेकर युवक की तलाश की गई। अभी पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुप्रीम पावर न्यूज़ के लिए बालाघाट से पंकज जहरवाल की रिपोर्ट।